Because when I was talking to her on telephone, she, her accent was a British accent. Uh, but uh, I found her that she still has a hidden desi woman somewhere in her, and that's the best part of it. Because we should not lose uh, our origin, and, and, and I am always admiring such personalities. So. Yes, sir. Can, can I ask you, if you allow me to ask, like how long you have been married? Oh, I've been married for a long, long time. I'm not going to tell you the number of years. <laughs> long enough to have children, mashallah, who was one's over 20 and one's 20 and one's 80. I can't even remember how many years. <laughs> alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, Kesra, we have got a, a caller. Uh, let's see who is there. Mm -hmm. Hello? Hello? Uh, hello? Hello, assalamu alaikum. as assalam. And who is this? मैं नजमा कॉल कर रही हूँ नेपरविल से नजमा वी हैव गॉट कैसरा शराज इन आवर स्टूडियो जी मैं वो उनको कैसरा शिराज को ही देख रही हूँ और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि इतनी वेल एजुकेटेड और पाकिस्तानी वुमेन मुझे उसे ये बस पूछना था कि उनकी किताबें अमेरिका में अवेलेबल है क्या हाँ बिल्कुल मेरी बहन दे आर अवेलेबल इधर शिकागो में बुक स्टोर में बाबरा बुक स्टोर में जो है आजकल है वो दूसरी एमेजन नेटवर्क एमेजन डॉट कॉम पे ऑर्डर आप अच्छा, लोग कर अच्छा, सकते अच्छा, जी जी Amazon जरूर ऑफ यू कैन ऑर्डर द इंटरनेट आपके पास आपका लिटरेचर हर तरह का होता है कि, या किस टाइप का सर, आपका मेन आपका सब्जेक्ट क्या है लिटरेचर मेन मैं नॉवल राइटिंग लिखती हूँ मेरी बहन और ड्रामा स्क्रिप्ट इज दैट योर क्वेश्चन ये सवाल है ना आपका ड्रामा लिखना या किताबें लिखनी Mm -hmm. <laughs> Lekin, the only thing I've not done is write poetry. I've written drama plays I've written short fiction and novels. especially specialized Korean novels. I've written two novels which have been translated in a number of uh, countries as well as finishing mm -hmm. the third novel. but I've also written drama serial. Probably we'll talk about it in a short while.. <laughs> शोज़ थे उनकी हमने छोटी छोटी सी आपको क्लिपिंग दिखाई है आइडिया सिर्फ ये कि हम चूँकि अब सालगराह मना रहे हैं और एक साल हो रहे हैं तो जहाँ मैंने पहले इतराफ़ किया कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी फेल टू डिलीवर वट वी वॉन्ट टू डू इट एंड जो था कि हमारा पैशन के हम आ, लोगों की कोई रियलिटी में कोई लोगों के की ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकें कोई उनके भलाई का, का काम कर सकें तो जिसमें हम एक साल के बाद वहीं खड़े हैं जहां हम पहले दिन थे यानी कि आज भी बस इसी उम्मीद पर कि शायद हम ऐसा कर पाए और जो उसमें मुझे लगा कि हम किसी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए आप लोगों को कि आप हमारे साथ आएँ और हमारा हाथ बटाएँ इसमें आ, मेरा चूंकि एक थोड़ा सा मेरी सेल्फ ईगो होती है मैं कभी भी आ, आ, एक आ, जिसे कहना चाहिए ना कि जब भाई काम आदमी कर रहा है तो आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट इन माई अल्लाह के अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इन श्ला सबर आजमा जरूर होता है इंसान जब तनहा चलता है तो रेगिस्तान भी आते हैं और उसमें मुश्किलें भी आती हैं मुसीबतें भी आती हैं पर इनसे लड़ना मैंने सीखा हुआ है और मेरा मानना यह है और मैंने जिंदगी में देखा कि अल्टीमेटली अल्लाह ताली उन्हीं को कामयाबी देता है उनके मकासद में जो संजीदगी के साथ उस पर कहते हैं ना लगे रहते हैं अगर ऐसा ना हो तो फिर अल्लाह ताला अगर ऐसे करे तो हर कोई मतलब एक 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 काम लेके शुरू हो जाए और खुद बखुद हो जाए मज़ा भी नहीं आएगा ना तो सबर आजमा काम होता है एक साल के बाद अभी आगे जाना है सफ़र बहुत लंबा है Uh, सिर्फ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र में हमें कामयाबी दे क्योंकि सफ़र uh, की जो मंजिल है वो बड़ी uh, अच्छी है कि हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी की हेल्प करें और लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकें ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की जिंदगी में चाहे वो अमेरिका में रहते हों चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या दुनिया के किसी गोशे में रहते हों नंबर वन प्रायरिटी नंबर टू प्रायरिटी तमाम मुसलमानों को हम इसमें शामिल करते हैं एंड देन अल्लाह की तमाम मखलूक़ात जो आ, 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 इस दुनिया में कहीं भी हों किसी भी हाल में हम अगर उनके लिए कुछ कर सकें तो आ, ये एसाज़ की बात होगी बहरल मैंने आपसे एक साल के बाद दोबारा अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा तशतब किया है और खुल के बात किया दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर सॉलिसटिंग कोऑपरेशन गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम ऑल आवर व्यूअर्स जिन तक भी हमारी बात पहुँचे तो आप मेरी मदद नहीं कर रहे होंगे आप आयान की मदद नहीं कर रहे होंगे बेसिकली आप अपनी मदद कर रहे होंगे क्योंकि जब आपके हाथ से कोई भलाई होगी हम एक प्लेटफॉर्म आपको पहुंचा रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग शिकवा शिकायत करते हैं कि यार पता नहीं लगता समझ नहीं आती कि यार हमने वो किसात हरा देनी है किसे दें इतना धोखा फ्रेब है तो भाई ऐान टी वी पर कोई जक़ात ख़रात की तो बात नहीं और ये हम तो यहाँ पर बैठे हैं काम आप हमारे साथ मिलकर काम करें लेट्स ही एक प्लेटफार्म है आपको ये प्लेटफार्म बनाने की जरूरत नहीं है ज़रा इस प्लेटफार्म को बनाने में अल्लाह ताला ने हमें तोफीक़ दी और इसमें काफ़ी मेहनत काफ़ी वक्त और कम से कम मैं या मेरे साथ जो भी बच्चे यहाँ पे काम करते हैं उनकी ज़ाहिर बहुत है कि ज़िंदगी अब इसमें ही गुजर जाती है तो खेल कूद और बाकी के लिए शायद टाइम नहीं बच पाता बहरल आप भी अगर जज्बा रखते हैं शौक रखते हैं तो प्लीज़ आप ऐान का साथ दें ऐन टी वी पर जिस तरह भी चाहें अगर कि हम लोगों की ज़िंदगी में कोई भलाई कर सकें तो ज़रूर प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें और हम आपको एक और छोटी सी क्लिपिंग्स दिखाते हैं ये भी ताकि हम कंक्लूड कर सकें अपनी जो सफ़र था एक साल का ये हमारे थोड़े से छोटे से क्लिप देखिए और इसमें आपको अंदाजा होगा कि कैसे मदो जजर से हम गुजरे हैं और क्या क्या हुआ है तो ये आपको दो तीन क्लिप और हम दिखाते हैं पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान गांधी जी की चिकनी चांद उस पे बनेगा पाकिस्तान तो आठ साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बनेंगे और फिर भी कैसे मांगे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान तो अल्लाह ताला जो तो है वो सुकून अमन बहाली ये इंसानों को नहीं सुकूनता फरमाए का मतलब Yeah, future. oh um, future i think inshallah pakistan will do good i think it's fun to celebrate the independence of pakistan but in these kind of times people should realize times are very not very good and they should tone down a little bit of the celebration we should be doing good. عالم دور 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 دیگه خدا کنه قبول بکنی جور آرام باشی همگی نواسان بر سال نو بر تبریک میگن سال ما روز مادر خوش و آرام باشی جان جوریت از خداوند میخوایم خدا حافظ و بهترین توفه به مادر محبت و احترام و عزت است که برش بتیم My name is Sultan Amadiyar, and this is for my mom. Happy Mother's Day, Mom. I love you. And um, i'll give you my whole life for you because i love you so much bye <laughs> my name is Rabah Ahmadiyar and happy mother's day and i really love you so much hi my name is raki Arash Ahmadyar, and uh, happy mother's day to every mothers around the world and uh, the best gift to give it to your mom your time your attention and all your love thank you happy mother's day once again <laughs> <Woo -hoo>! oh. <laughs> हमने जो मुख्तफ जितने भी डेज आए चाहे वो पाकिस्तान आ, के हवाले से हों जैसे इंडिपेंडेंस डे आ, हमने सेलिब्रेट किया उस पर हमने अब थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी करने की कोशिश की हमने जब तेईस मार्च आया या डिफेंस डे आया कोई भी ऐसा मौका या ईद आई बकर आई जब भी कोई हमारा चाहे फेस्टिविटी थी या नेशनल हमारे कोई डेज थे हमने उनको सेलिब्रेट किया और उनकी कोशिश की कि लोगों तक आ, ये बता सकें कि ये इन देश की अहमियत क्या है हम लोगों के लिए इसी तरह हमने जो अमेरिका में रहते हुए जो अमेरिका से रिलेटेड चीज़ें थीं मदर्स डे फादर्स डे और इस तरह के जितने भी आ, 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 जो है आ, दिन आते रहे वो हमने सारे के सारे यहाँ पर आ, उनको आ, स्पेशल आ, उनकी वो रखा और हमने इन वेटरन्स डे और मेमोरियल्स डे जितने भी इस तरह के दिन आए जो अमेरिका के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमने उनके बारे में भी आगही प्रोवाइड की बात किया गया जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक आ, कोई आ, एक, एक ऐसा चैनल नहीं है जिसमें हमने बैठ के सिर्फ यहाँ पे गपशप करनी होती है ये ट्राई टू तो क्रिएट अवेयरनेस थोड़े से एजुकेशन की बात कर रहे हैं और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा मकसद है टू तो ब्रिंग अ चेंज अ पॉजिटिव चेंज इन दी, इन द लाइफ ऑफ पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल एवरी वन यहाँ पे नाज़ीन आ, अब चूँकि हमारा वक्त भी ख़त्म होने वाला है मैं आपको आ, 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 एक दफ़ा फिर ए, एक दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ एक तो ये कि अब चूंकि एक साल आ, आ, हो गया और हमने अब एक एक और अपने माइल स्टोन इन चाहते हैं और वो ये है कि हम यहाँ पे चूँकि अमेरिका में रहते हैं और हमने महसूस किया कि अमेरिका में बसने वाले जो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं दे डोंट इंटरैक्ट मच विद देयर नेबर्स यकीन बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते होंगे लेकिन एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की है जो अपने अपने शेल्स में रहते हैं तो और इस तरह से क्या है कि एक डेवलप हो रहा है आप देखें कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान जो हैं वो आ, आ, एक अजीब सी की शेप बना दी गई है और ये किस तरह हो रहा है क्योंकि अब मीडिया बहुत स्ट्रांग है ये जो मीडिया है जिस तरह मैं बैठा हूँ इस तरह से अब हर कोई कहीं भी आके आप एक कैमरा लगाएं और बैठ जाएं और पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं सुनने जा रहे हैं और आप लोग ज़्यादातर होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को आ, उन लोगों को जिनकी वो इज़्ज़त करते हैं उनकी बात से असर भी लेते हैं और फिर बज दफ़ा बड़े फ़ोर्सफुल अंदाज में बातें की जाती हैं तो उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि मुसलमान जो थे वो जैसे मैंने कहा ना हमेशा मुसलमान जो हम अब आज के दौर में हम सोए रहते हैं एक ज़माना था कि मुसलमान जो थे पूरी दुनिया में इज्जत और एहतराम से देखे जाते थे पूरी दुनिया की तरक्की का राज जो था वो मुसलमानों के हाथ में था मुसलमानों ने तरक्की की चाहे वो साइंस हो तेब हो किसी भी फील्ड में आप देख लें मुसलमान जो थे वो पूरी दुनिया में आ, राज करते थे और पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए रिसर्च और डेवलपमेंट हर चीज़ को आप देख लें आज मुसलमान फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि हम शायद आहिस्ता आहिस्ता आहि सप्रेस होते जा रहे हैं और हम हम जो ये मीडिया की जंग है इसकी वजह से तो बिल्कुल ही हम गर्क होते जा रहे हैं और हमारी एक शेप इतनी बिगाड़ दी गई है कि अब हम हर हर बबूले के पीछे चल पड़ते हैं कोई भी शगुफ़ा छोड़ा जाता है और हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं बगैर होश किए बगैर अकल के नाखून लिए कि हमें हम कहाँ जा रहे हैं तो नंबर वन एक तो ये कि मुसलमानों का तखशस ख़राब किया जा रहा है जो मुसलमानों की जो पिक्चर है वो गलत की जा रही है मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट इस तरह के अजीब अजीब नामों से मंसूब कर दिया गया है मुसलमान जो हैं वो एक एक ऐसी ए, उनकी इमेज पोट्रे की जा रही है कि जिससे लगता है कि इनसे बुरे इंसान दुनिया में नहीं है छोटा सा कहीं कोई इंसान ग़लती करता है और वो अगर कहीं गलती से उसके साथ प्रोफाइल में मुस्लिम लिखा हुआ है उसको ये मीडिया बढ़ा चढ़ा कर और इतना ज़्यादा एग्रेसिवली पोर्ट्रे किया जाता है हमारे मुल्क में कहीं छोटा सा कोई वाक़ा होता है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है और पूरी दुनिया जो है वो मुसलमानों का एक बुरा इमेज बनाने पर लग गई है और उसमें सारे लोग ये नहीं इंटेंशली नहीं चाहते लेकिन वो भी क्योंकि मीडिया में एक चीज़ आती है तो उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों के पास टाइम नहीं होता कि उसको वेरीफाई कर सकें तो जो मीडिया में बार 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 चीज़ दिखाई जाए लोग समझ लेते हैं हम ऐसे ही हो गए तो मुसलमानों का एक इमेज ख़राब हो गया है हमारा काम यहाँ बैठ के ये भी है कि हम इसको देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं हमारा मीडिया क्या कर सकता है अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार कहता हूँ मैं बहुत नाराज़ होता हूँ अपने उन मीडिया के लोगों से कि हमारे जो चैनल खोल गए इन्होंने चैनल्स को भी एक कारोबार बना दिया भाई खुदा के लिए चैनल कारोबार भले बनाओ भले आप कहो कि जी मैंने तो इसमें एक करोड़ डाला है दो करोड़ डाला है तो मैंने इसे पैसे निकालने हैं जी मैं यहाँ पर जो बड़े बड़े एंकर हायर करता हूँ उनके ऊपर मेरी रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं वो लाखों के होते हैं तो मैंने तो जी यहाँ बैठ के पैसा भी कमाना है मैंने जो है यहाँ पे इश्तहार लेने हैं मैंने लोगों को जैसे पैसा कमाना है भाई पैसा कमाना बुरी बात नहीं है लेकिन खुदा आप ये देखें कि जहाँ पर इस्लाम की बात आ जाए जहाँ मुसलमान की बात आ जाए जहाँ पर पाकिस्तानियत की बात आ जाए वहाँ तो सौदा ना करो अपने मुल्क का सौदा तो ना करो पाकिस्तान में छोटा सा वाक्य होता है हमारा मीडिया जो है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया को दिखाते हैं ये सोचे समझे बगैर कि आज उनके चैनल जो वो कारो